जैन फ्रेंड, आज पूरे हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे। देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज है, जैसा आपको पता होगा। देखिए बैठे है हमारे पास जनरल स्टडी पेपर वन है, ये प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था 2020 का। इसमें इसका देखिए टाइम भी लोगों ने टोटल 2 आवर का दिया जाता है, मैक्सिमम मार्क 200 का रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 2020 का सेट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्या बोल रहे, देखिए कंसीडर द फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन विद आधार मैंडेट कैन नॉट बी स्टोर मोर देन 3 मंथ, द स्टेट कैन नॉट इंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विथ प्राइवेट ऑपरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डाटा बोल रहा है। ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है, देखिए दाता आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑपरेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट फंड्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 and 4 ओनली, 2 and 4 only, 3 only, and 1, 2 and 3। तो आपको मैं 5 सेकंड का टाइम दूंगा, आप अपना आंसर टिक कर लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए ये बोल रहा है आधा जो मैंडेट है ये कैन नॉट बी स्टोर 3 मंथ, ये नहीं है, रॉन्ग है। तो शो किया जा रहा है, तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं 1 को। द स्टेट कैन नॉट एंटर टू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट ऑपरेशन फॉर शेयरिंग आधार डाटा, ये सही है। ये आधार इज मैंडेटरी फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ये नहीं होगा, ये होगा तो गलत हो जाएगा। मतलब इंश्योरेंस पे अगर आधार मैंडेटरी होगा तो ये इशू हो सकता है। तो आप 3 को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो राइट आंसर आ गया, और तो 20 राइट आंसर आता है 2 and 4। तो 4 भी देख लेते हैं, आधार मैंडेटरी है फॉर गेटिंग बेनिफिट ऑफ फंड्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन राज्यसभा हैज इक्वल पावर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन देख लीजिए, मेट्रो क्रिएटिंग ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, इमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, मेकिंग कोर्ट मोशन। ऐसा आपको पता होना चाहिए इमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इसका इक्वल पावर रहता है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। विद रेफरेंस टू फंड्स मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसको हम एमपी लैंड कहते हैं, कुछ जो फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है। एमपी लैंड फंड मस्ट बी यूज टू क्रिएट ए ड्यूरेबल एसेट लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ, ब्यूटी, एजुकेशन एक्सेट्रा। बोला ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ इच एमपी फंड मस्ट बी बेनिफिटेड एससी एसटी पॉपुलेशन। देखिए एमपी लैंड फंड्स आर सैंक्शन ऑन द ईयरली बेसिस एंड ऑन अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। फिर क्या हो रहा है, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इज मस्ट इंसेप्ट एटलीस्ट 10% ऑफ द ऑल वर्क अंडर द इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर, 10% इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ऑप्शन देख लीजिए, 1 and 2, 3 and 4 ओनली, 1, 2, 3 and 1, 2, 4। देखिए ये जो बोल रहा है एमपी लैंड, ये अगले साल तो सेंक्शन नहीं होता है, रॉन्ग है, ये अगले साल भी इसका बेटी है कि अगले साल भी ये हो सकता है, तो आप यूज कर सकते हैं, ये लैप्स नहीं करेगा, तो राशि फंड है। तो देखिए 3 में आपको एलिमेंट कर लीजिए, कहाँ जाए 3 है, 1 and 2 देखिए है ही है, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। देखिए जो बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो एटलीस्ट 10% जो उसका है शहर वो इम्प्लीमेंट करेगा एवरी ईयर, तो ऐसा ही है, राइट ऑप्शन डी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अंडर जेबिलिटी ऑफ ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वालिटी। तो देखिए अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल खुल रहा है, देखिए जैसा कि आपको पता होना चाहिए आपको राइट टू इक्वालिटी अंडर आता है। देखिए जो स्पेशली ये आर्टिकल है आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, तो आपको ये याद रखना है। ठीक चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। इन व्हिच द सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द सेवन शेड्यूल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो उसका राइट ऑप्शन बी है, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसा आपको पता होना चाहिए, तो पार्ट 4 में है। तो आपको जो देखिए हर साल जो है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको ये बेसिक क्लैरिटी आपको यहाँ से प्रिपेयर करना है। इसलिए बोला जाता है कि मतलब प्रीवियस क्वेश्चन मस्ट है, ये आपको प्रिपेयर करना है कि आपको एग्जामिनर का माइंड समझ में आएगा।
क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको ये सब इजीली आप ध्यान रखें। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 पे। अलोंग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो प्लेस अदर डॉक्यूमेंट बिफोर द पार्लियामेंट एंड व्हिच इंक्लूड द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट द एफोरसेड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज द इज मैंडेटेड बाय द लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट कन्वेंशन आर्टिकल 112 एंड आर्टिकल 110 सरप्लस 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑप्शन सी क्या बोला देखिए, आर्टिकल नंबर 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी प्रोविजन ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तो प्रोविजन फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट का ज्यादा खर्चा करेंगे तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लिमिटेड गवर्नमेंट है। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन आपको करना है कि कोई भी क्वेश्चन रहता है जो मतलब उसे कॉन्सेप्ट हो गया या बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गया तो वो रिपीट करता है बार बार, वो वेरी करता है, इसलिए आप जो प्रीवियस क्वेश्चन है आप देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से कर लीजिए आप। उसके बाद आपको अपना सिलेबस भी बाहर याद रखना है क्योंकि सिलेबस मस्ट है, नहीं तो आपका मतलब कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा कि आप सब सोचेंगे कि आपका सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा, ये एग्जाम सिलेबस आप कम्प्लीट करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अदर देन द फंडामेंटल राइट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ प्रोविजन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 से रिलेटेड पूछ रहा है, द प्रीएम्बल, डीपीएससी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। लेट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, 1 and 2, 2 ओनली, 1 and 3 एंड 1, 2, 3। तो ये देखिए इसका तीनों इसका राइट आंसर है, प्रीएम्बल भी है, डीपीएससी एंड फंडामेंटल ड्यूटी भी है, राइट ऑप्शन डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिटीजन, क्योंकि पहले क्या बोलते पर्सन विथ इन एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख, सेकंड देखिए ट्रांसजेंडर्स विथ इन एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख, मेंबर ऑफ अदर रिकॉर्ड क्लासेस विथ एनुअल इनकम लेस देन 3 लाख एंड ऑल सीनियर सिटीजन। देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखिए ऑल सीनियर सिटीजन को नहीं मिलता है, उसमें सर्टन इसका गाइडलाइंस रहेगा, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं 4 को। देखिए इसमें 2 तो है ही, 2 का आपको ट्रांसजेंडर विथ एनुअल इनकम 2 लाख भी चाहिए, क्योंकि पर्सन विथ एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख और देखिए मेंबर ऑफ अदर रिकॉर्ड क्लासेस ऑफ एनुअल इनकम लेस देन 3 लाख, ये ओबीसी के लिए नहीं है कि इसका मतलब आप एलिमिनेट कर सकते थे। पहला डेस ऑप्शन ए है 1 and 2। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। According to the following facts, the international agreement set up हुआ था और सॉल्वेट देख किया गया है, अल्मा आटा डिक्लेरेशन, हेल्थ केयर ऑफ ए पीपल, द ह्यूज कन्वेंशन, बायोलॉजिकल केमिकल वेपन, तालनोवा डायलॉग, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड अंडर टू कॉलेशन कैंडिडेट। कुछ ऑफ द फॉलोइंग करंटली मैच बोल रहा है, देखिए जैसे अल्मा डिक्लेरेशन ये हेल्थ केयर ऑफ पीपल से रिलेटेड था तो सही है, ठीक है, हेक कन्वेंशन रिलेटेड ऐसे नहीं था, ये रिलेटेड था एडोप्शन ऑफ ए चाइल्ड रिलेटेड था, ये आप उसको लिमिट कर सकते हैं। देखिए तारानोवा डिक्लेरेशन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रिलेटेड था, सही है, देखिए अंडर टू कॉलिशन जो आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज रिलेटेड है, चाइल्ड रिलेटेड नहीं है, उसका राइट आंसर देखिए 1 and 3, तो सी राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज वन ऑफ व्हिच ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज रिजोल्यूबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन रिमूव बाय इट, द गवर्नमेंट इज डिक्लेयर्ड बाय पीपल एंड कैन रिमूव बाय देम, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बाय इट बिफोर द कॉम्प्लीशन ऑफ ए फिक्स्ड टर्म। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, तो देखिए गवर्नमेंट को आप पार्लियामेंट से जाता है पार्लियामेंट इसको रिमूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, नेटिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल एंड सेवन शेड्यूल, राइट ऑप्शन नंबर है डीपीएसपी है, नेटिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टी एंड प्रिजर्व द आइडिया ऑफ ऑन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, मुझे द स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछ रहा है 1 only 2 only बोथ 1 2 नदर 1 or 2। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन ऑफ इंडिया में कहीं बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, क्लियर हमें
देखिए जो पूछ रहा है सेकंड वाला जो क्वेश्चन सर, इंडिया प्रोवाइड कर रहा है जुडिशियल रिव्यू, मतलब बेसिकली क्वेश्चन मीडिया में ये भी डिफाइंड नहीं है, आप इसको भी रॉन्ग कर सकते हैं। तो सही राइट ऑप्शन डी है, नेदर वन और टू, क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए कुछ वन ऑफ द कॉमन एग्रीमेंट है जो गांधीजी एंड मार्क्सिज्म से रिलेटेड था, वो रहा है गोल ऑफ सेटलर सोसाइटी, कास्ट स्ट्रगल, रेवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म। तो सही राइट ऑप्शन नंबर ए है, फैनल गोल ऑफ स्टेटलर सोसाइटी था। कहते हैं ठीक है, स्टेटलर सोसाइटी किस लिए था कि मतलब दोनों का कॉमन बोलता है इसमें, गांधी जी का भी मार्क्सिज्म भी सर दोनों का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एप्रिशिएटेड ब्यूरोक्रेसी, एन एजेंसी ऑफ विडनिंग द स्कोप ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एन एजेंसी फॉर द स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, एन एजेंसी फॉर द फैसिलिटिंग द पोलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ऑप्शन नंबर डी है, जो एजेंसी क्या इम्प्लीमेंट करेगा पब्लिक पॉलिसी को। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लीगल इफेक्ट, नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो लीगल अदर इफेक्ट अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सेम लीगल इफेक्ट ऑफ एनी अदर पार्ट, ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लीगल एनी इंडिपेंडेंटली अदर पार्ट। तो सही राइट ऑप्शन डी है, ये पार्ट है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का बट नो लीगल इफेक्ट है इसका, और ये इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट से रिलेटेड है। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, द गोल्ड ट्रेंच रिजर्व ट्रेंच रेफर टू ए लोन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बैंक, वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ए सेंट्रल बैंक, ए क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स मेंबर, ए क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर्स। तो सेंट्रल आईएमएफ से रिलेटेड है ये, कि क्रेडिट सिस्टम में जो जैसा मतलब आप एसडीआरबी से स्पेशल ड्रॉइंग राइट से भी हो सकता है उस टाइप का ये गोल्ड रेंजेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे, देखिए विद रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेंट इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट्स आर बी इन्फोर्सेबल बाय अ कोर्ट, दैट्स आर नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, द प्रिंसिपल ले डाउन इन द पार्ट ऑफ टू इन्फ्लुएंस लीगल लॉ बाय द स्टेट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड थ्री एंड टू एंड थ्री। तो देखिए ये इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है पीपीएससी, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए दैट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल ये सही है, इसका प्रिंसिपल लेटर इज पार्ट ऑफ इंफ्लुएंस मेकिंग ऑफ लॉ इन द स्टेट बाय लॉ, सही है। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है 2 एंड 3। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, देखिए एक क्वेश्चन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट मेड ए मिनिस्टर ऑफ इन स्टेट फॉर ए 6 मंथ आफ्टर ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट, अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ए पर्सन कमिटेड अब क्रिमिनल ऑफेंस सेंटेंस इंप्रिजनमेंट for 5 years is permanently disqualified for the contesting election even after his release from prison, agar saza karne ke baad phir bhi aaya to usne bola wo election contest nahi kar sakta, which of the following statement is correct, one only two only both one two another one or two। to see iska right answer according to question of media mein agar jo eligible vote ke liye hai kon 18 saal ke liye hota hai wo eligible ho sakte hai, iska matlab ye bol raha hai ki aap minister ban sakte ho bola, kyunki dekhiye minister banne ke liye aapko minimum 25 years ka age chahiye, jaisa ki आपको मेंबर बनना पड़ेगा लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया काउंसिल हो गया, तो आपको 25 ईयर चाहिए। देखिए अकॉर्डिंग टू बोला है आरोपी के हिसाब से तो ये 5 ईयर्स नहीं 6 ईयर तक उसको मतलब अगर क्रिमिनल ऑफेंस कुछ करा जाएगा उसके हिसाब से तो डिस्कस है परमानेंट नहीं हो सकता, वो 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसके बाद लड़ सकता है। तो ये मेरा है ऑप्शन नंबर डी है नेदर वन और टू। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, the president of india can summon a session of the parliament at his such place as he or she think fit, the constitution of india provides 3 sessions of the parliament in a year but it is not mandatory for conduct of all 3 sessions, there is no minimum number of days that parliament is required to meet in a year। dekhiye pehla ka jo hai president declare kar sakte hai koi bhi jagah pe agar usko uthi lage ye sahi hai, dekhiye constitution of india jo bol raha hai provide kar raha hai ye long hai 3 sessions liye 6 mein itna hai ki matlab 6 month ke andar aapko ek session lena chahiye। देखिए देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ पार्लियामेंट सेशन चाहिए, तो सही राइट ऑप्शन नंबर सी है 1 एंड 3 ओनली। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग ईयर्स, देखिए औरंगा इन द चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ स्टेट,
बनियान, इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी मरी सिदार ओरिजिनेटेड रेवेन्यू प्रिपर ऑफ ए स्टेट। देखिए जो औरंगा थे ये इंचार्ज नहीं थे ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, ऐसा नहीं चाहिए तो ये रॉन्ग है। देखिए ये वेयर हाउस से रिलेटेड था, याद रखिएगा वेयर हाउस। तो देखिए ये बेनियन और जो मसीदा थे ये राइट है दोनों, तो ये रॉन्ग है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कुछ कॉलेज मैच कौन सा है पूछ रहा है, तो आपको पहले को आपको एलिमिनेट कर देना है। तो उसका राइट आंसर 2 और 3 बी है। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्थापितवादिन महायान बुद्धिज्म। देखिए लोकतावादिन साइड जो था ये ऑफसाइड ऑफ महासंघिका साइड ऑफ बुद्धिज्म। द डिफिक्शन ऑफ द बुद्धा बाय द महासंघिका तो फर्स्ट क्या था महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है। देखिए आप ऑप्शन क्या पूछ रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बोल रहे हैं 1 और 2 जो लुकवाता महासंघी का साइड ऑफ बुद्धिज्म से रिलेटेड था। डिफेक्शन ऑफ बुद्धा था जो महासंघी का फॉरेस्ट ऑफ महायान बुद्धिज्म रिलेटेड। तो सही आंसर नंबर बी है 2 और 3। चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वेयर रिनेड मैकेनिज्म वेयर इंट्रोड्यूस इन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर। रेलवे लाइन्स वेयर लेड इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। द हेवी ड्यूटीज वेयर इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर। तो सर आंसर नंबर ए है जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट रिन्यूल। चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। कंसीडर द इवेंट्स इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। राइज ऑफ प्रतिहार्स अंडर द किंग भोजा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर्स अंडर द महेंद्र वर्मन वन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर्स बाय प्रतंकर वन। सर क्या बोला देखिए पल्ला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला। जैसा आपको पता नहीं चाहिए इसमें राइज ऑफ प्रतिहारास अंडर द किंग भोला। तो आपको इसमें टाइम पीरियड आपको थोड़ा याद रखना था, इसे डेटर आप इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए लगभग ये 8th से 9th सेंचुरी के टाइम में बनता है। उसके बाद देखिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर्स जो महेंद्र वर्मन वर्ड करके लगभग 7th सेंचुरी BC था। ये देखिए एस्टैब्लिशमेंट चोला पावर्स बाय परन परंता का वन था, ये लगभग एस्टैब्लिश करी थी 9th सेंचुरी। देखिए जो पल्लवा डायनेस्टी फंड गया था ये अराउंड पल्लवा डायनेस्टी 750 BC। देखिए आपका राइट आंसर आ जाएगा 2, 2, 4, 1, 2, 4, 1 and 3। उसका है क्वेश्चन नंबर 25 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फेसेस डिफाइन द नेचर ऑफ द हुंडी जनरली रेफर्स टू इन कोर्स ऑफ पोस्ट हर्षा पीरियड एंड एडवाइजरी इशू बाय द किंग ऑफ हिज सबॉर्डिनेट। ए डायरी ऑफ मेंटेड बाय फॉर डेली अकाउंट्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ऑर्डर फॉर द फेडरल लॉर्ड्स टू हिज सबॉर्डिनेट। तो इसे राइट है ए बिल ऑफ एक्सचेंज है ये ऑप्शन सी। चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को यूपीएससी ने डिस्कार्ड कर दिया इसको। क्वेश्चन 28 पे। द भीतल विदुनास द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव ए अनटचेबल पीपल अस इट टारगेट ऑडियंस पुलिस बाय गोपाल बाबा वलंगर जितने खुले मोहनदास करमचंद गांधी एंड
जी अम्बेडकर, राइट आंसर नंबर ए है गोपाल बाबा ओलिंडकर जी से इसका। चलते क्वेश्चन 29 पे, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कुलिया कुलिया बापा एंड दोनों बापा रिनवेट मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग कौन से डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू एस्टिमेशन ऑफ अर्बन लैंड एंड रिलीजियस रिचुअल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ए मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग। देखिए कुलिया भापा एंड रोना भापा। चलते क्वेश्चन नंबर 30, ये पूछ रहा हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइस दिस सजेस्टेड थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन दोस हु ओ द प्रेसेस इस रिलीजियस सेक्ट और ब्लेम अदर सेक्ट आउट ऑफ एग्जिस्टिंग डिवोशन टू हिज ओन सेक्ट विद अ व्यू ऑफ ग्लोरीफाइंग हिज ओन सेक्ट ही रादर देन इंजरियस हिज ओन सेक्ट वेरी सेवियरली। अशोका समुद्रगुप्त हर्षवर्धन एंड कृष्ण देव राय नंबर ये है अशोका। जल्दी क्वेश्चन नंबर 31 पे, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म परामितास द अर्लियर धर्मशास्त्र टेक्स्ट रिटन इन एपोफोरिस्टिक उत्तर स्टाइल द फिलोसॉफिकल स्कूल दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास The prefection post attainment led to the Bodhisattva path, the powerful merchant, guidance of early medieval South India. So, second is option number C hai, the profession whose attainment led to the Bodhisattva path. Then, question number 32 pe. In the context of the India, Indian history, the Ramabai cases, 1884 revolt around women's right. To get education, age of consent, reconstitution of conjugal rights. So, third answer is 2 and 3. One is only the right to gain education. Then, question number 33. Indigo contribution in India defined by the beginning of 20th century because this is declined. Kiya gaya puch raha hai. The pigeon resistant to the oppressive conduct of planters. इंडिगो से रिलेटेड अभी दो क्वेश्चन आ चुका है, देखिए 2020 में दो क्वेश्चन आया है। इट इज अनप्रॉफिटेबल इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन नेशनल लीडर्स अपोज्ड द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो द गवर्नमेंट कंट्रोल द ओवर द प्लांट्स ऑप्शन नंबर बी है। देखिए ये अनप्रॉफिट हो चुका था उस टाइम में, वर्ल्ड मार्केट में न्यू इन्वेंशन हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 34 पे, द वॉलेस एस्टैब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कोलकाता बिकॉज He was asked to the board of directors at London to do so. He wanted to revive the interest in the oriental learning in India. He wanted to provide the William Carey and his associates with employment. He wanted to train British civilian for university purpose in India. So, the writer said, "Automatically, he was asked that he, मतलब जो civilian है, तो उनको train करे university purpose India के लिए। देखिए 35 question में क्या बोल रहे हैं? With reference to the history of India. उल्गुलन और ए ग्रेट तमुल्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट द रिवोल्ट ऑफ 1857 द मपलिया रिवोल्ट रिविलियन ऑफ 1921 द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859 टू 1860 एंड बिरसा मुंडा रिवोल्ट जो हुआ था 1899 टू 1900 है। चलते क्वेश्चन नंबर 36 पे, With reference to scholar literature of the ancient India, consider the following statement. The pen is associated with the Pushpamitra Tunga. Very wrong. Amar Sima is associated with Harshavardhana. So, Harshavardhana is related to Vikramaditya. So, this is wrong. The Kalidas is associated with Chandragupta. Second is related to this. So, this is option number C. Three only. Then, the question number 37. In the context of recent advance in human reproductive technology, the pronuclear transfer is used for a fertile egg into vitro by donor's sperm, a genetic modification of a sperm producing the cells, development of a stem cells into the functional embryos, and prevention of mitochondrial disease in offspring. So, this is option number D.
ये प्रिवेंट करेगा माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को, इन द ऑप्शन आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 38 में, विद प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन द इंडस्ट्रियल यूनिट क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सम। देखिए डिजीज डायग्नोसिस कर सकता है, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्सन कर सकता है, एंड वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखिए प्रेजेंट सिनेरियो में जो एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब कर सकता है। अभी अगर 2023 साबित है, 2020 में उसमें देखिए ईपीसी का आंसर क्यों नहीं दिया है, इसका राइट आंसर ईपीसी ने दिया है, देखिए तो ऑफिशियली इसका है। तो ये बोला एक क्रिएट शॉर्ट स्टोरी एंड सॉन्ग नहीं कर सकता हूँ, तो एलिमिनेट करा है। और इसके बाद देखिए ये वायरलेस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी नहीं कर सकता हूँ, दिया है थर्ड ऑप्शन नंबर डी दिया है। तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो आप देखेंगे तो इसको ये ऑल हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, विद रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन वीएलसी टेक्नोलॉजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वीएलसी यूज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 375 to 780 nm। The VLC is known as long range optical wireless communication. VLC can transmit large amount of data faster than the Bluetooth. VLC has no electromagnetic interference. देखिए जो इसका select the correct answer using the code given below. 123, 124, 134 एंड 234। क्योंकि वीएलसी जो उन्होंने से लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है, तो इसको आप इलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप अगर 2 को इलिमिनेट कर देते हैं तो आपका आंसर ऐसे आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी से बेटर इसका है। चलते क्वेश्चन नंबर 40 पे, विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज ए पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट व्हिच नो वन सिंगल यूजर कंट्रोल। The structure of design blockchain it shall be all the data in the world cryptocurrency only. So the only statement of extreme for example, the application data depend on the basis of the feature blockchain can be developed without anybody permission. So right hai ye cryptocurrency only nahi hai, wrong hai. So aap isko limit kar sakte hain, wo jana hai. So sir right sir 1 bhi sahi hai aur some these right answer 1 and 3. Chalte question number 41 pe, with reference to the carbon nanotube consider the following statement. They can be used as a carriers of a drug and antigen in the human body. They can be made into artificial blood capillaries for injured a part of the human body. They can be used in biochemical sensors and carbon nanotubes are biodegradable. So ye sahi hai, they can be made up into artificial blood and capillaries into injured for part of the human body, wrong hai. Ye to hai, to isko aap 2 ko eliminate kar sakte hain, ऑप्शन नंबर सी है 1, 3 and 4। चलते क्वेश्चन नंबर 42 पे, कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटी द स्पेयरिंग द पेस्टिसाइड ऑन योर क्रॉप फील्ड रिस्पेक्टिंग द क्रेटर्स इन एक्टिव वोल्केनो कलेक्टिंग द ब्रीथ सैंपल्स फ्रॉम द स्पॉटिंग व्हेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस। एट प्रेजेंट द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबव एक्टिविटी इज सक्सेसफुली कैरीड बाय यूजिंग द ड्रोन्स। तो देखिए हम तीनों का यूज करके अभी ड्रोन से यूज कर सकते हैं तीनों, जैसे राइट आंसर ऑप्शन डी है 123। चलते क्वेश्चन नंबर 43 पे, द एक्सपेरिमेंट विल बी एम्प्लॉयड ए ट्रू स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन द इंफॉर्मेशन इन द स्पेस ऑफ एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल दैट हैज ए साइट ऑन 1 million किलोमीटर्स लॉन्ग विद द लेजर्स सर्फिंग बिटवीन द क्राफ्ट एन एक्सपेरिमेंट इन द क्वेश्चन रेफर टू बोगार्स 2 New Horizons, LISA Pathfinder and EVOLVED LISA. So it's right side option number D, EVOLVED LISA. So the question number 44 pe, consider the following statement. The genetic change can be introduced in the cells that produce the egg or sperm for a prospective parent. A person's genome can have been edited before the birth at earlier embryonic stage. The human introduce of pluripotent stem cell can be injected into a embryo of a pig. Which of the following statement given above is correct?
वन ओनली टू एंड थ्री, टू ओनली वन टू एंड थ्री, तो सर सबसे बड़ी है वन टू एंड थ्री होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 45 पे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग द न्यूमोकोकल कॉन्जेक्टिव वैक्सीन इन इंडिया, दिस वैक्सीन आर इफेक्टेड अगेंस्ट द न्यूमोनिया एज वेल एज द मेनिंगाइट एंड स्पेसिस, द डिपेंडेंस ऑफ ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड, दिस वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट एंड कॉज नो एलर्जेनिक रिएक्शन, जैसे कोई मतलब अभी तक मिला नहीं है वैक्सीन जिसका साइड इफेक्ट ना हो, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं थ्री को। तो इसका राइट ऑप्शन होती है वन इंटू। चलते क्वेश्चन नंबर 46 पे, इन इंडिया द टर्म ऑफ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑप्शन ए है। चलते क्वेश्चन नंबर 47 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल, द प्लांट सेल हैव दिस सेलुलर सेल्स वॉल्स इन व्हाइल एनिमल्स डू नॉट, ये सही है, द प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स डू, ये दोनों पास रहता है, रॉन्ग है, प्लांट सेल दोनों के पास ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल के पास ही होता है, द मैच्योर प्लांट सेल्स हैज वन लार्ज बकुल whilst animal cells have many small vacuoles, तो ये सही है, तो इसका राइट आंसर मसी है। चलते क्वेश्चन नंबर 48 पे, which of the following are the reason factors for exposure to benzene pollution, automobiles exhaust, tobacco smoke, wood burning, using burnished wood, wooden furniture, using product made of polyurethane, select the correct answer using the code given below 1 2 3 2 4 1 2 4 1 2 3 4 5, so sir using the product of made polyurethane nahi hoga ye, and using the furnished wooden furniture nahi hoga, so sir it is option a hai 1 2 3। Then the question number 49 pe, if another global financial crisis happen in the near future, which of the following action or policies most likely to give immunity to India, not depending on short-term foreign borrowing, opening of a more foreign banks, maintaining full capital account convertibility, select the correct answer using the code given below 1 only 1 and 2 3 only 1 2 and 3। तो देखिए डिपेंड करना है शॉर्ट टर्म फॉरन बोरिंग के लिए, सही है, हमको डिपेंड नहीं होना है अभी, ओपनिंग ऑफ मोर करंट बैंक्स ये रॉन्ग है, रेमिटेंस ऑफ फुल कैपिटल कंट्री ये रॉन्ग है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1 ओनली। चलते क्वेश्चन नंबर 50 पे, इफ यू विथड्रॉ 1000 इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी, टू रिड्यूस 1 लाख, टू इंक्रीज 1 लाख, इंक्रीज इट बाय मोर देन 1 लाख, एंड टू इट लीव इट अनचेंज, तो सर ऑप्शन बड़ी है अनचेंज रहेगा, कुछ मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें जब आप बैंक कोई विड्रो कर लेते हैं। तो जल्दी क्वेश्चन नंबर 51 पे, विद रेफरेंस टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक, इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू द कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली इन द लिस्टेड कंपनी, इट इज द लार्जली नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल थ्रो, इट इज द इन्वेस्टमेंट व्हिच इन्वॉल्व्स द डेब्ट सर्विसिंग, इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाई फॉरन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो ऑप्शन अभी है कि क्या लार्ज नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल है। चलते क्वेश्चन नंबर 52 पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 यूपीसी इसको भी कैंसिल कर दिया है क्योंकि ऑफिशियली मतलब ज़्यादा इसमें डिस्पोर्ट था, इसलिए यूपीसी इसको ऑफिशियली कैंसिल कर दिया है ये क्वेश्चन को। चलते क्वेश्चन नंबर 53 पे, द टर्म वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट तो समटाइम फाउंड इन न्यूज रेफर टू द ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल बेलून सॉरी बुलियन रेयर अर्थ एलिमेंट इन यूरानियम, तो इसका राइट आंसर था देखिए क्रूड ऑयल से रिलेटेड था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ
Indian economy, non friends on left, including the which of the following? Housing loan owned by the household, amount of outstanding on credit card, treasury bill. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 1 and 2, 3 only, 1, 2 and 3. तो इसका आंसर देखिए 1, 2 एंड 3 है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 55 पे. इन इंडिया व्हाई आर द सोम न्यूक्लियर रिएक्टर्स कीप्ड अंडर द IAEA सेफगार्ड्स व्हाइल अदर आर नॉट इजीली बोल रहा है. सोम आर यूरेनियम अदर आर थोरियम. सोम आर इंपोर्ट यूरेनियम अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाई. सोम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइजेस एंड अदर आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस. सोम आर स्टेट ओन एंड अदर आर प्राइवेट ओन. ऑप्शन नंबर डी है. कुछ गवर्नमेंट के अंडर में कुछ प्राइवेट ओन के अंडर में. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे. विथ रेफरेंस टू द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स स्ट्रीम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. पूछ रहा है तो क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट बाय द फॉरेन इन्वेस्टर आर प्रोहिबिटेड. तो सही है. दे अप्लाई द इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये रॉन्ग है. मतलब इसे गेट से रिलेटेड नहीं है, आपको पता होना चाहिए इसको. अब इसको इसीलिए आप एमेल कर सकते थे. गेट से रिलेटेड होना था. दे आर नॉट कंसर्न विथ द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो राइट है ये. फिर अब तुम सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. तो राइट ऑप्शन नंबर सी है 1 and 3. चलते क्वेश्चन नंबर 57 पे. इफ द आरबीआई डिसाइड टू अडॉप्ट एक्सपांसिविस्ट मॉनेटरी पॉलिसी which of the following would not to do? Cut and optimize the shadow liquidity ratio. Increase the marginal standing facility rate. Cut the bank rate and repo rate. So, इसका right answer देखिए option दी है 2 only. Increase जाएगा marginal standing facility. ये नहीं करेगा आज भी. Not do बोला पूछ रहा है. चलते question number 58 पे. With reference to Indian economy, after the 1991 economic liberalization, consider the following statement. So, workers' productivity for workers at 2004 and 5 prices increased in urban area, but decreased in rural area. So, wrong hai. The percentage of the share of rural area is workforce is steadily increased. Even wrong hai. In rural area, the growth in non-farm economy is increased. Yes, I am. The growth of rate in rural employment decreased. So, right answer dekhiye. Option which of the following statement correct ho jaye. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 3 and 4. ऑप्शन नंबर बी. चलते क्वेश्चन नंबर 59 पे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन टर्म ऑफ द शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू एग्रीकल्चर सेक्टर द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिलीवर द मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड रिजर्व रूरल बैंक. तो ये रॉन्ग है. सबसे ज्यादा देता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक. आपको ये याद रखना है. वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ डीसीसीबी इज टू प्रोवाइड द फंड टू प्राइमरी एग्जीक्यूटिव क्रेडिट सिक्योरिटी. ये सही है. फिर आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी है 2 ओनली. चलते क्वेश्चन नंबर 60 पे. इन इंडिया अंडर द साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट आर जनरली कवर्ड इन एडिशन टू पेमेंट फॉर द लॉस ऑफ फंड्स एंड अदर बेनिफिट. द कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन of computer system in case of malware disrupting access to one computer. The cost of new computers if some miscreant wrongfully damage it provide to you. Wrong hai. New computers related bol raha hai. The cost of hiring a specialist consultant of minimize the loss of case of cyber expression. Is sahi hai. The cost of defense of the code of law if any third party kills is with. So iska right answer dekhiye option b 1 3 4. चलते क्वेश्चन नंबर 61 पे. इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर. फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू ऑल क्रॉप्स. कि ऑल क्रॉप तो आप एक्सटेंड स्टेटमेंट आप अगर देखेंगे तो आपको एलिमिनेट करना चाहिए आपको. तो आपका देखिए पहला ऑप्शन से आपका आंसर आ गया. कंप्यूटराइजेशन और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी सही है. सोशल कैपिटल डेवलपमेंट सही है. फ्री रेट सप्लाई टू फार्मर ये ऐसा नहीं होता. वेबर ऑफ एग्रीकल्चर लोन बाय द बैंकिंग सिस्टम
सेटिंग ऑफ द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी फॉर द गवर्नमेंट इज द राइट आंसर नंबर सी है 2, 3 and 6। क्वेश्चन नंबर 62 पे व्हाट इज द इंपोर्टेंस द टर्म ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ ए फार्म इन इंडिया इट हेल्प द अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ ए फार्म दैट इज थैंक्स गोइंग टू गिव ए लोन इट हेल्प टू इवेल्युएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ ए फार्म दैट थैंक्स इज गोइंग टू गिव ए लोन इट इज द हायर बोरिंग फार्म लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इट इज द एबिलिटी टू सर्विस तो वर्ड्स मिल पाइए ये बेटर होगा ये रॉन्ग है तो फिर को लिमिट कर सकते थे इसका राइट आंसर नंबर ए है 1 into 1 ली। चलते क्वेश्चन नंबर 63 पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पॉलिसी वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया रिसेंट पास्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ट्रेडिंग गवर्नमेंट स्टॉक पिक फिलिंग एंड कंज्यूमर सब्सिडीज सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4 है। चलते क्वेश्चन नंबर 64 पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द टर्म ऑफ वैल्यू ऑफ श्रीलंका इन ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड द टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इन द लास्ट 5 ईयर्स नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया तो ये साउथ एशिया में सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बांग्लादेश है ना कि नेपाल तो सब एलिमिनेट कर सकते थे ठीक हो देखिए सेकंड पर है टेक्सटाइल जो आर्टिकल रिलेटेड होता है इंडिया बांग्लादेश से सही है ये देखिए जो वैल्यू ऑफ जो इंडियन श्रीलंका का है ट्रेड जो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है लेकिन 10 साल में कंटिन्यूसली तो ये रॉन्ग है कंटिन्यूसली थोड़ा ये डिक्लाइन भी कर रहा था तो उसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी वो ओनली है। चलते क्वेश्चन नंबर 65 पे इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ G20 का होगा ऑप्शन देख लीजिए अर्जेंटीना मेक्सिको साउथ अफ्रीका तुर्की ऑस्ट्रेलिया कनाडा मलेशिया न्यूजीलैंड ब्राजील ईरान सऊदी अरेबिया वियतनाम इंडोनेशिया जापान सिंगापुर एंड साउथ कोरिया तो सही आंसर नंबर ए है अर्जेंटीना मेक्सिको साउथ अफ्रीका और तुर्की से रिलेटेड। चलते क्वेश्चन नंबर 66 पे अनदर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम द शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट टू गिवन द फार्मर्स फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इज द वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्वेस्ट एंड ट्रैक्टर मिनी ट्रक्स का बोल रहा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्म हाउसहोल्ड द पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउसेस एंड सेटिंग ऑफ द विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी तो आप लॉजिक लगा सकते हैं इसमें कि मतलब घर बना लीजिए क्योंकि पैसा देगा वो किसान क्रेडिट कार्ड में तो इसकी आप 5 को एलिमेंट कर देंगे तो आपको आंसर दिया जाएगा 1, 3 and 4 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 67 पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द वेटेज ऑफ द फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इज हायर देन द होलसेल प्राइस इंडेक्स द होलसेल प्राइस इंडेक्स डस नॉट कैप्चर द चेंजेस इन प्राइसेस सर्विसेस द सीपीआई डस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाउ अडॉप्ट द डब्ल्यूपीआई एज अ की मेजर इन्फ्लेशन टू डिसाइड टू चेंजिंग द की पॉलिसी रेट तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स नहीं है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है सीपीआई यूज होता है अभी आगे तो अभी रॉन्ग है ये तो सही राइट आंसर नंबर ए है 1 into 1 ली। चलते क्वेश्चन नंबर 68 पे देखिए रिवर दे रहा है एंड फ्लो इन टू बोल रहा है मेकोंग रिवर अंडमान सी में करता है सही है सेम सी इरिस सी तो ये रॉन्ग है जैसे देखिए वोल्गा कैस्पियन सी दिया है आपको यहाँ पे तो ये राइट है जम्बा जी देखिए इंडियन ओशन दिया है तो ये भी राइट है तो मेकोंग देखिए अंडमान सी में कहाँ जाएगा ये रॉन्ग है उसका राइट ऑप्शन सी है। चलते क्वेश्चन नंबर 69 पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन केस ऑफ द ऑल सीरियल्स पल्सेस एंड ऑयल सीड्स प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इज अल्टीमेटेड इन एनी स्टेट एंड यूटी ऑफ इंडिया इन केस ऑफ द सीरियल्स एंड पल्सेस एनएससी इज फिक्स्ड ऑफ एनी स्टेट एंड यूटी एट अ लेवल ऑफ व्हिच मार्केट प्राइस विल नेवर बी प्राइस ये रॉन्ग है दोनों रॉन्ग है तो राइट ऑप्शन नंबर डी है। चलते क्वेश्चन नंबर 70 पे With reference to the Indian economy, consider the following statement. The commercial paper is a short term unsecured promissory note for rye. The certificate deposit is a long term investment issued by the Reserve Bank of India to a corporation. So, wrong here.
जो बोल रहे कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल यूज्ड फॉर इंटर बैंकिंग इंटरेक्शन तो सही है. द जीरो कूपन बॉन्ड आर इंटरेस्टेड बेयरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड इश्यू बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक टू कोऑपरेटिव ये रॉन्ग है. तो इसका राइट आंसर नंबर 1 एंड 3 और सम इज राइट आंसर चलते क्वेश्चन नंबर 71 पे. विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स परिव राजा का रेनेसिंग एंड द वंडरर सरमना प्रीस्ट विथ द हाईएस्ट स्टैटू उपासका ले फ्लोर ऑफ बुद्धिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच 1 एंड 2 1 एंड 3 2 3 1 2 एंड 3. देखिए जो सरमन था ये प्रीस्ट विथ द हाईएस्ट स्टैटू नहीं थे जो कर्मिक थे जो सरम करते थे उसे रिलेटेड बात करते थे इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे 2 को. तो 2 को एलिमिनेट करते आपको आंसर आ जा रहा था ऑप्शन बी 1 एंड 3. चलते क्वेश्चन नंबर 72 पे. विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द लीडर ऑफ द एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल तो सही है ये. द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन ए कैलविंग इन द एज ऑफ 14 इयर्स ओनली. देखिए ओनली लगा यहाँ पे अमंग द स्टेट ऑफ इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इन केरला. ठीक है कर्नाटका नहीं है केरला नहीं है कर्नाटका है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि फोन में जहाँ एलिमिनेट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. तो राइट आंसर 1 एंड 2 क्वेश्चन नंबर ए है. चलते क्वेश्चन नंबर 73 पे. कुछ ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन कावेरी बेसिन द नागरहोल नेशनल पार्क पापीकोंडा नेशनल पार्क सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एंड वायमंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4. तो देखिए जो इसमें पापीकोंडा नेशनल पार्क है देखिए आप ये आंध्र प्रदेश के रीजन में है तो ये थोड़ा नॉर्दर्न पार्ट है ऊपर है थोड़ा बाकी सब देखिए जैसे नागरहोल सत्यमंगलम एंड वायंडर ये लोकेटेड कावेरी बेसिन देखिए तो आप 2 को एलिमिनेट कर देंगे आप जैसे 2 को आप एलिमिनेट कर सकते हैं तो करेक्ट आंसर आ सकता है 134 ऑप्शन सी इज राइट आंसर. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे. With reference to India, brand is Ceylon, Frogamouth, Coppersmith, Barbet, Grey Chin Minivite, and White Throated Redder. एक किसे डिटेल पूछा है? Birds, the pyramids, reptiles, and amphibian. तो सही डाटा सर देखिए, birds सही डाटा है. उसमें बोलिए, तब तक क्वेश्चन नंबर 75 पे. Which of the following is protected area well known for the conservation of फर्स्ट स्पीसीज ऑफ इंडियन स्वाम डियर जिसको हम बारासिंगा कहते हैं दैट थ्रीट वेल ऑन ए हार्ड ग्राउंड एंड एक्सटेंसिवली ग्रामीण वायरस कान्हा नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड तालचापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कान्हा नेशनल पार्क है. चलते क्वेश्चन नंबर 76 पे. स्टील स्लैग कैन बी मटेरियल्स फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बेस रोड इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल प्रोटेक्शन ऑफ सेडिमेंट. Select the correct answer using the code given below 1 2 2 3 1 3 1 2 3. इसका राइट आंसर देखिए 76 का ऑप्शन डी है. तीन में से रिलेटेड है चलिए क्वेश्चन 77 पे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू प्लेसेस टू फाइंड द मोस्ट डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. देखिए अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गंगोत्री नेशनल पार्क तो ये दोनों तो है द कृष्णापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मानस नेशनल पार्क. देखिए मानस नेशनल पार्क आपको पूछ रहा है कहाँ पे क्या माउंट डियर पाया जाएगा बोल रहा है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं और को तो फिर ऑप्शन नंबर ए है 1 2 ओनली. जैसा कुछ एडिशनल फैक्ट आप जान सकते हैं इसमें जैसा कि आपको मानस नेशनल पार्क कहाँ पे आपको पता होना चाहिए आसाम में ये. देखिए कृष्णापुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपको पता चाहिए उत्तर प्रदेश में है यूपी में. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे. इन ए रूरल रोड कंस्ट्रक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर इंश्योरिंग द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट कॉपर स्लैग कोल्ड मिक्स एस्फेल्ट टेक्नोलॉजी जियो टेक्सटाइल हॉट मिक्स अल्फाबेट टेक्नोलॉजी
एंड पोर्टलैंड सीमेंट, तो आप ये दोनों को एलिमेंट कर सकते हैं इसमें, पोर्टलैंड सीमेंट और मिस अल्फ्रेड टेक्नोलॉजी को अस्खलित, जिसका राइट ऑप्शन नंबर ए है 1, 2 एंड 3। तथा क्वेश्चन नंबर 79 पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोल एस कंटेंट्स आर्सेनिक लेड एंड मर्करी, कोल फायर पावर प्लांट रिलीज द सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट, हाई एस कंटेंट इज ऑब्जर्व इन इंडियन कोल। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है 123। चलते क्वेश्चन नंबर 80 पे, व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग, बायोचार कैन बी यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन ए वर्टिकल फार्मिंग, when biochar is a part of the growing medium it promotes the growth of nitrogen fixing macroorganism, when biochar is a part of growing medium it enables the growing medium to retain the water for a long time, which of the following statement is correct, 1 and 2, 2 only, 1 and 3, 1, 2 and 3। So that is option number D hai, 1, 2, 3 hai। Then the question number 81 ke, if a particular plant species is placed under the schedule 4 वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट इज एमपी क्या होगा, इसलिए पूछ रहा है, ए लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट द प्लांट, सच ए प्लांट कैन नॉट बी कल्टीवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, सच प्लांट इन्वेस्ट ए हार्मफुल टू इकोसिस्टम। तो करेक्ट आंसर नंबर ए है, फिर लाइसेंस चाहिए एक बार के लिए अगर कल्टीवेट करना आपको, तो साइंटिफिक प्रूफ से नहीं हो सकता है। 82 क्या बोल रहा है, देखिए विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ उत्तर डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया, द टाउन घंटासाला एंड कुदुरा and Chol were known as port handling oriented capital of powerful kingdom, the place of exist stone art and architecture, important Buddhist pilgrim centers। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो पोर्ट है ये जो हैंडल करता था फॉरेन ट्रेड को। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे, व्हाट इज द एडवांटेजेस जीरो टिल्टिंग इन एग्रीकल्चर के बारे में पूछ रहा है, सोइंग द व्हीट इज पॉसिबल विदाउट द बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप, ये हो सकता है, विदाउट द नीड्स ऑफ द नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग, डायरेक्ट प्लांटिंग टू पेडी सीड्स इनटू द वेट सोइल इम्पॉसिबल, कार्बन सब्स्टिट्यूशन इन द सोइल इज पॉसिबल, ये हो सकता है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो, सेकंड ऑप्शन डी है 1, 2 एंड 3। चलते क्वेश्चन नंबर 84 पे, अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, देखिए क्या क्या चाहिए बोल रहा है, कासा भा ये चाहिए था, डेमेज ऑफ व्हीट ग्रेन ऑब्वियसली हो सकता है इसमें, देखिए ग्राउंड नॉट सीड्स ये कहीं मेंशन नहीं था, देखिए हॉर्स क्राम ये मेंशन नहीं था, रोटेन पोटैटो हो सकता था, सुगर बीट हो सकता था, तो राइट आंसर नंबर 1, 2, 5, 6 ऑप्शन नंबर ए था। चलते क्वेश्चन नंबर 85 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, it is measure its monetary value of long term damage due to the ton of carbon dioxide emission in a given year, then kya bola the requirement of fossil fuel of a country provide a good service its citizen based on the burning of those fuel, to iske baad kya bola dekhi, the effort of putting in the climate refuge to adapt life in a new place and contribution of a individual person to carbon footprint in on a plant or earth, so that is option number a, ye kya karega long term damage to ton of carbon dioxide emission ko रिलेटेड है, सोशल कॉस्ट कार्बन जो मोनेटरी वैल्यू लेके वो खरीदते हैं ये कंपनी से। चलते क्वेश्चन नंबर 86 पे, विद रेफरेंस टू द पल्सेस प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ब्लैक ग्राम कैन बी यूज्ड कल्टीवेटेड एज़ बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप, द ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्सेस प्रोडक्शन, देखिए नियरली हाफ ऑफ बोला है ये रॉन्ग है, सबसे ज्यादा मतलब चना दाल का मतलब कंजम्पशन ज्यादा है इंडिया में, इन द लास्ट 3 decades लास्ट 3 decade बोला है तो प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेस हैज इंक्रीज, देखिए खरीफ तो मतलब वैसे ही मतलब ज्यादा स्ट्रेस में रहता है इसको, मतलब मेजर लॉस में रहता है ये, और जो मतलब रबी पल्सेस है डिक्रीज मजीद प्रोसेस जो रबी पल्सेस जो है इसमें मतलब सेफ करो भाई ज्यादा नहीं होता है, तो इसको रॉन्ग है ये भी, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1 only। चलते क्वेश्चन नंबर 87 पे, the crop is subtropical in nature, a hard forest is injurious to it, it requires at least 210 forest per day and 50 to 100 cm of rainfall for its growth, a light well drained soil capable
of retaining the moisture is ideally suited for the cultivation of a crop. Which of the following is that crop for a Gujarat? देखिए इसका ऑप्शन दे रहे कॉटन, जूट, गुरकेन या टी। ये सबसे ज्यादा मतलब कम इसमें चाहिए सबसे ज्यादा रेनफॉल, तो आपको कॉटन को नहीं चाहिए था। देखिए जूट और सुगर केन और टी इसके लिए तो रेनफॉल ज्यादा चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे, विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप आर नॉट समर्सिबल पंप। ये रॉन्ग है, सोलर पावर पंप कैन यूज ऑफ रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप नॉट वन विद द पिस्टन। ये भी रॉन्ग है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, नेदर वन आल्सो। चलते क्वेश्चन नंबर 89 पे, विथ रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड्स इन द कल्टीवेशन ऑफ सुगर कैन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए सस्टेनेबल सेलिंग इज द सीड मटेरियल इज मेड अप व्हेन बर्ड चिप स्लेटिंग अ राइस इज नर्सरी is transplanted in the main field. When the direct planting of seeds is done, the germination of the percentage is better with the single budded sets compared to the sets within the many buds. If the bad weather condition is prevail, when the set is directly planted, it's a deal of directly plant of the single budded have a step better survival compared to the large seeds. The sugarcane can cultivate using the settling prepared from tissue culture. It's a year. That's correct answer 1 and 4. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर 90 पे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसीडर्ड एज ए प्रैक्टिस इको फ्रेंडली इन एग्रीकल्चर, कोई पूछ रहा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेग्यूम इंडस्ट्रीफिकेशन, 300 मीटर यूज, वर्टिकल फार्मिंग। तो वर्टिकल फार्मिंग नहीं है, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ऑप्शन रही। जैसे क्वेश्चन नंबर 91 पे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फिटिगेशन इन एग्रीकल्चर के बारे में पूछ रहा है। द कंट्रोलिंग द अल्कालिनिटी इफ इरिगेशन ऑफ वाटर इज पॉसिबल हो सकता है, द एफिशिएंसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड सो अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल, द फॉस्फेट छोड़ के सब हो सकता है, ये फॉस्फेट नहीं हो सकता है, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। द इंक्रीज इन एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन द प्लांट इज पॉसिबल हो सकता है, रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट इज पॉसिबल ये हो सकता है। तो इसका अर्थ कि आपको टू को एलिमिनेट कर देना है, तो साइड हार्ट ऑप्शन बची है 1, 3 and 4। चलते क्वेश्चन नंबर 92 पे, कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल्स, द बेंटोनाइट, कोबोमाइट, कैनाइट, सिलिमेनाइट। इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड मेजर मिनरल फॉर इंडिया। देखिए इसमें आपको बेंटोनाइट नहीं है, ये तो आप उसको रिमूव कर सकते थे। राइट ऑप्शन नंबर डी है 2, 3 and 4। देखिए जो क्रोमाइट, कैनाइट एंड सिलिमाइट तीनों है। क्वेश्चन 93 पे, विद रेफरेंस टू ओशन विंड टेम्परेचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओशन विंड टेम्परेचर इज मेजर्ड अप टू ए डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस असदम, वेयर इज 120 मीटर्स इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन ड्यूरिंग द जनवरी मार्च। तो देखो जनवरी मार्च में कितना 129 मीटर डीप अंतर पड़ रहा है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, एक्चुअली में डाटा ही रॉन्ग है। मतलब तो एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए ये कोटा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मतलब नहीं मेजर करता, ये रॉन्ग है। तो मार्केट रेवेन्यू देते हैं, मतलब फर्टिलाइजर को सब्सिडी भी दिया जाता है, तो ये रॉन्ग है। एमोनिया व्हिच ऑफ द इंपोर्ट ऑफ इंडिया इज प्रोड्यूस नेचुरल गैस, सही है। सल्फर इज व्हिच इज रॉ मटेरियल यूज फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इन व्हिच बाय प्रोड्यूस द ऑयल रिफाइनरी, ये राइट है। नंबर बी साइड से 23 ओनली। जल्दी क्वेश्चन नंबर 95 पे, विद रेफरेंस टू द इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोल रहा है इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। देखिए नो ह्यूमन हैबिटेशन सर्टन हो सकता है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं डी को भी। तो इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बेटर, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 1 and 3। देखिए अब 2 डिस्ट्रिक्ट में आपका स्प्रेड हुआ नहीं, बट आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं, इसी से पता है आपको कैसा देना क्या नहीं। इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन आपको मस्ट करना है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन
कर लेते हैं तो आपको ईपी से मैंशन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन 96 पे सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड ईस्ट ऑफ अफेंची, ईस्ट ऑफ ले नॉर्थ ऑफ गिलगिट नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, तो इसका राइट आंसर ऑलरेडी है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली में सिचुएटेड है सियाचिन ग्लेशियर। चलते क्वेश्चन नंबर 97 पे विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हाट इज द फॉलोइंग क्या फेमस प्लेस बोलता है प्रेजेंट स्टेट के बारे में पूछ रहा है। भिलसा जो कि मध्य प्रदेश में है बोल रहा है। इसके बाद देखिए धौरसा मुद्रा ये महाराष्ट्र में बोल रहा है। गिरिनगर गुजरात स्थली में सारा उत्तर प्रदेश। देखिए गिरिनगर तो गुजरात में है तो आप इसको देख सकते हैं तो आप इसको और डी को एलिमिनेट कर सकते थे। देखिए बिरसला जो मध्य प्रदेश में है ये सही है 1 and 3 आपका आंसर आ गया। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आप एलिमिनेट कैसे करना था आपको। देखिए भरोसा मुद्रा ये महाराष्ट्र में नहीं था तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पे इंडिया डिस्ट्रिक्ट क्लासिफाइड एज़ द ओवर एक्सप्लॉइट और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज फॉर्मड अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो सही है वाटर इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड। ये सही है 36% ये नहीं है ये रॉन्ग है डाटा ये रॉन्ग है इसका मेजरली मतलब डाटा ही रॉन्ग रहता है जिसका आप एनालाइज करिएगा टीवी से कुछ ही। तो आप ए और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं इसका राइट ऑफ नंबर डी है इसे राइट पूछा था आपको ये भी याद रखना है कॉरेक्ट पूछा है कि पूछा है। चलते क्वेश्चन नंबर 99 पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जेट स्ट्रीम्स ओकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल में सकता है रॉन्ग है ये द ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप इन आई द टेम्परेचर इन साइड ऑफ आई साइक्लोन्स इज नियरली 10 degrees सेल्सियस लेसर देन द फ्रॉन्टिंग। तो उससे ज्यादा हो जाता है कम ही रहता है आई मीन फ्रॉन्टिंग से ज्यादा ही रहता है टेम्परेचर तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए जो यूपीएस में कहा जाता है कि ओनली स्टेटमेंट जो रॉन्ग रहता है हर टाइम देखिए ये राइट है तो सी से रहता है टू ओनली है तो ओनली जो सोम साइक्लोन है डेवलप होता है आई मीन सही है। चलते लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व व्हिच वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट द कॉर्बेट रणथंभौर नागार्जुन सागर त्रिसा डैम एंड सुंदरबन। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है नागार्जुन सागर है। देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज आप कैसे प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज है ये बहुत है इसलिए कि मतलब आपको एग्जामिनेशन का एक माइंडसेट आपको समझ आता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आता है क्या आता है कि मतलब ट्रेंड कैसे चल रहा है वो देख रहे आप मतलब अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पर कम्प्लीट कर लेंगे इसको तो जो भी आएगा 2011 से लेकर 2011 से लेकर 2020 का अब आप यूपीएससी का माइंडसेट जो क्वेश्चन रिपीट होता है कैसा ट्रेंड आता है क्वेश्चन वाला आता है तो आपको मेरिटी आप टेंशन नहीं पे दूर हो जाएगा तो आपको उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाना है। और देखिए जो आपको सिलेबस है सिलेबस भी मस्ट आपको फाइंड रखना है आगे आपके लिए ये सीरीज इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर कुछ भी क्वारी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे अदर सोशल मीडिया साइट में भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है सब लिंक सब नीचे डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद जय भारत थैंक यू।